Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइकल की पास्ट लाइफ सीरीज. तो गाइज, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप लोग को याद ही होगा, माइकल गया था भाई अपना ड्रीम हाउस देखने के लिए, और माइकल ने तय कर लिया था यही घर वो लेगा इन फ्यूचर में. और उसके बाद गाइज, माइकल के जो पड़ोसी है ना, जो गैंगस्टर अपने आप को बोलते हैं भाई, वो गन्स चला चला के माइकल को डराने की कोशिश कर रहे थे और पूरे मोहल्ले को डराने की कोशिश कर रहे थे कि उनमें कितनी ज्यादा ताकत है. उसके बाद गाइज हम गए भाई एक शॉप को लूटने के लिए. हमने भाई उसके बाद गाइज हमने शॉप के ओनर के ऊपर गन तान दी और उसको बोला जितना पैसा तेरे पास है वो निकाल दे. और उसने भाई ऊपर से गन निकाल दी और मेरे ऊपर फायर करने लग गया. मैं जैसे तैसे मर्जी करके भाई यहां से भगया, बट उसके बाद उसने भाई पुलिस वाले को कॉल करके अपने पीछे पूरी भर भर के पुलिस लगा ली. मैं कैसे भी साइकिल से भग ही रहा था, बट साइकिल फिर भी कितनी तेज भगता, और एट द ऑल एंड भाई मुझे पुलिस वालों ने पकड़ ही लिया. पुलिस वालों ने मुझे पकड़ के बोल दिया सीधा घुटनों के बल बैठ जा, अब तेरा क्या होगा कालिया. अभी ये जो पुलिस वाला है ना, अभी ये मुझे बोल रहा है कि जल्दी से इस गाड़ी के अंदर बैठ जा. चलो ठीक है गाइज, अभी ना गाइज एक मेरे पास ना गन है, ठीक है, बट हाँ मैं मानता हूँ कि उस पे एमो नहीं है. अगर मैं पीछे बैठता हूँ ना तो मैं शायद हो सकता है इस बंदे को डरा के यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ. चलो ठीक है गाइस, बैठते हैं गाड़ी के अंदर. ओके गाइस, सारे के सारे पुलिस वाले भाई अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ चुके हैं. अब ये ना गाइस मेरा पीछा करने वाले हैं. तो गाइस अभी ना ये पुलिस वाला मेरे को लेके जाने वाला है पुलिस स्टेशन. इससे बढ़िया ना एक काम करते हैं भाई, मैंने गन अपनी निकाल ली है और मैं ना भाई इसको डराने की कोशिश करता हूँ. रुको रुको रुको, एक सेकंड, इसको ना गाड़ी अपनी धीरे करने दो, एक सेकंड बाहर निकलता हूँ. अबे तेरी ऐसी की तैसी, बाहर निकल, बाहर निकल. गाइस इसमें गन नहीं है. ओ वेट 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 वेट, अबे इसको पता है कि इसके अंदर एमो नहीं है भाई, इसीलिए देख रहे हो भाई. कल बंदा ने भाई, बंदे ने कितना बड़ा बैट निकाल लिया और क्या ही रख के मारा है मेरे. बोल रहा है कि मेरे को पता है कि तुम्हारी गन में एक भी एमो नहीं, और तू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को डराने की. रुक तो सही, अब तू पुलिस स्टेशन चल, तेरे को तो मैं बताता हूँ. चलो गाइज यार अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर. गाइज यार मैंने भाई मूवीज वगैरह में, सीरियल वगैरह में देखा था कि ऐसे करके हम पुलिस वालों को डरा सकते हैं, बट ये रियल लाइफ में काम नहीं करता. प्रॉब्लम हो जाती भाई. अब ये बंदा बोल रहा है कि तेरी मैं बैंड बजाता हूँ. रुक गाइज यार, रुको यार, ये पुलिस स्टेशन तो आ चुके हैं. अभी आखिरकार ये करना क्या चाहता है. रुको यार, ये कह रहा है पहले गन अंदर कर ले. ओके गन अंदर कर ली है और ये कह रहा है चल मेरे पीछे पीछे आ जा. अब यार ये क्या करना क्या चाहता है मेरे साथ यार, ये गंदी धुलाई कर. वेट यार, पुलिस स्टेशन पूरा खाली खाली लग रहा है. ओके नहीं नहीं उधर खड़े हैं बंदे, बट अंदर से ना पूरा खाली खाली लग रहा है. शायद हो सकता है कुछ ज्यादा ही लॉस सेंटोस में क्राइम बढ़ रहे होंगे तो सारे पुलिस वाले अपने काम पे लगे होंगे. ठीक है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन पूरा मुझे खाली लग रहा है और ये बंदा पूरा मेरे ऊपर एम करके चल रहा है ताकि मैं थोड़ी सी भी चलाकी ना कर सकूं. और मुझे नहीं लग रहा कि अभी मैं चलाकी बिल्कुल भी कर पाऊंगा. नीचे सेल्स में जाना है अपन को. वो भैंस की टांग भाई, गोलियां चला चला के डरा रहा है यार. प्लीज यार सर, गोली मत चलाओ. ओके गाइज, अभी ये बोल रहा है कि तू नीचे की तरफ तो आ चुका है, अब ना एक काम कर, तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा. पहले मैं आगे आगे चला था, अब तू आगे आगे चलेगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा. चलो ठीक है गाइज, अभी मुझे जाना है. वेट 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 वेट, भाई ये बंदा तो प्रिजन के अंदर ही, एक सेकेंड भाई, ड्रिलिंग करके ना ये भागने की कोशिश कर रहा है. अबे देख लो सर ये क्या कर रहा है. अबे भाई मेरी भी हेल्प कर दो यार भैया, मुझे भी यहाँ से निकाल दोगे ना, प्लीज हेल्प कर दोगे ना. हेलो भैया आप मेरी भी हेल्प कर दोगे ना यार, मुझे भी साथ में निकलवा देना, मैं 100-200 रुपए दे दूंगा यार आपको, मेरी भी हेल्प करवा देना यार आप. एक सेकेंड, ये पुलिस, अबे उस बंदे को मारा और उस बंदे का खून निकल के मेरे तक आया. भाई कैसा पुलिस वाला, एक मिनट में उसका इनकाउंटर कर दिया इसने तो. और गाइस ये बॉडी बिल्डर को भी यहाँ पे, हेलो भैया बॉडी बिल्डर भाई, यार भाई इतना तगड़ा बॉडी बिल्डर भी यहाँ पे जेल में बंद है और ये बोल रहा है चल बातें बातें मत कर सीधा अंदर चल. भाई यार मुझे यहाँ पे सीधा अंदर. भैया देखो यार मैं बहुत गरीब हूँ यार, मेरे पास सही में पैसे भी नहीं है. आप लोगों ने तो मेरा साइकिल का भी पता नहीं कहाँ पे खड़ा. अबे मार रहा है यार. ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी. चलो गाइस यार यहाँ पे हगने के लिए एक टॉयलेट है. भाई प्लीज मत मारो यार. भैया यार अगर मेरे पास सही में पैसे होते तो मैं आपको रिश्वत दे देता, पर पैसे भी नहीं है यार, क्या करे यार. और ये बंदा बोल रहा है बता मुझे फटाफट से ये कुछ तूने क्यों किया, और अपनी टीम से कांटेक्ट कर रहा है कि इसका क्या करना है. ऑलराइट गाइस, ये बंदा बोल रहा है कि मैं तेरे को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर सकता हूँ अगर तुम मुझे $1,000 दे दो. भैया बिल्कुल भी नहीं है यार, मेरे पास सही में बता रहा हूँ मेरे पास $1,000 नहीं है. मैं सही में बता रहा हूँ नहीं है मेरे पास $1,000, सिर्फ मेरे पास ना सिर्फ $300 है.
और वो भी मैंने अपना एक सपना है भाई कार का उसके लिए रखे। मैं बहुत गरीब हूँ, चाहे आप मेरा घर देख लो, प्लीज मत मारो यार। यार बंदा बहुत ज्यादा मार रहा है गाइज, यार रुको भैया, सही में मेरे पास पैसे नहीं है यार। गाइज ये बोल रहा है, तू दूसरी बार जेल आया है ना, तू पहली बार भी जेल आया था उस टाइम पे मेरे ही किसी कोलीग ने तेरे को ऐसे ही छोड़ दिया था, बट अब इस बार हम तेरे को छोड़ देने वाले। ये बंदा बोल रहा है कि अभी तुम यहीं पे रुको, हमारे बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, वो तुम्हारी पूरी क्लास लेंगे, हो सकता है वो तुम्हारा इनकाउंटर भी कर दे, वो जल्दी ही आ रहे हैं। गाइज यार इनकाउंटर ये मजाक तो नहीं कर रहा भाई, क्या कर लोगे यार एक गरीब के साथ ऐसे कुछ करके यार तुम लोग। चलो ठीक है गाइज, अभी यहाँ पे वेट करते हैं कौन से ऑफिसर है, उनके सामने हाथ पैर जोड़ लेंगे और उनको बोल देंगे मैं आज के बाद ऐसे गलत काम कभी नहीं करूंगा यार। ऑल राइट गाइज, मुझे यहाँ पे खड़े हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, पता नहीं भाई वो पुलिस ऑफिसर कब आएगा और उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर कब आएगा। रुको रुको, ये पुलिस ऑफिसर तो यहीं पे घूम रहा है, एक सेकंड सर प्लीज, सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सर मेरे को छोड़ दो, सर प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ सर, मेरे पास खुद के लिए खाने तक के पैसे भी नहीं है, प्लीज सर छोड़ दो, अगर मेरे पास पैसे या कुछ होता ना मैं सही में आपके मुंह पे मारता, ओ सॉरी आपको दे देता, पर सर मेरे पास सही में पैसे नहीं है, और सर गन चला के मत डराओ, क्यों क्यों गरीब आदमी को डरा रहे हो यार सर, प्लीज आप अंदर आओ ना सर, थोड़ी बातें करते आ जाओ सर, प्लीज आप बताओ मुझे सर क्या करना है। एक तो यार गाइस मेरी इसको देख के इतनी फट रही है ना, पता नहीं क्यों ये गोली ना चला दे मेरे, अबे मार क्यों रे सर, सर मारो मत प्लीज सर, सर प्लीज बताओ ना कैसे छूटूं मैं यहाँ से, कैसे आप छोड़ोगे, मेरे पास पैसे नहीं है सर, सही में बताऊं खाना खाने तक के पैसे भी नहीं है, अगर पैसे होते तो मैं शॉप को क्यों लूटता, और आपको भी पता भी वो शॉप में कुछ $200-$300 ही मिलते हैं मुझे, कौन सा मुझे लाख लाख रुपए मिल जाता। गाइस ये बंदा बोल रहा है चोरी चाहे 1 रुपए की हो चाहे 1,000 रुपए की, चोरी चोरी होती है भाई, तू जो भी है, तू चाहे जितना भी गरीब है, पुलिस तो हर किसी को एक नजरिए से ही देखती है, तू क्रिमिनल है तो तू क्रिमिनल है। सर आपने मेरे को खुद बोला था ना कि मैं अगर आपको $1,000 दे दूं तो आप मुझे छोड़ दोगे, सर प्लीज छोड़ दो। गाइज ये बंदा बोल रहा है ठीक है मैं तेरे को एक शर्त पे छोड़ सकता हूं अगर तू वो मेरी शर्त माने। गाइज यार अभी मुझे अगर यहां से छूटना है तो मैं मुझे इस बंदे की सारी शर्तें माननी पड़ेगी, देखते भाई ये क्या शर्त रखता है मेरे सामने। ये बंदा बोल रहा है कि माइकल पहले भी तू जेल आया था, इस बार तू दोबारा से जेल आया है तो मैं तेरे को इस तभी छोड़ सकता हूं अगर तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ, क्योंकि तुझे देख के ऐसे लग रहा है कि तू एक यंग बंदा है, मैं एक बार अगर तेरी फैमिली से मिल जाऊं ना मैं तुम्हारी फैमिली को एक बार कंप्लेंट करूंगा कि हाँ तूने ये करा है, ठीक है। तो क्योंकि अगर तू शरीफ घर का होगा ना तू तेरी फैमिली खुद तेरे को संभाल लेगी। भाई मैं इससे अपने मॉम डैड को नहीं मिलवा सकता यार, सर मैं आपको अपने मॉम डैड से नहीं मिलवा सकता, वो बहुत बड़ी कहानी है, आप मेरे साथ कुछ भी करना चाहो ना कर सकते हो, बट मैं अपने मॉम डैड के साथ नहीं मिलवा सकता। गाइस ये ना गन चला रहा और बोल रहा है अब तो जो मर्जी हो जाए बेटे, अब तो मैं तेरे मॉम डैड से मिल के ही रहूंगा, अब तो मुझे बस तेरे मॉम डैड से मिलना, तू अपने मॉम डैड से क्यों नहीं मिलवा रहा। सर वो बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी सीन है, मैं नहीं मिलवा सकता, सॉरी सर मैं जेल में रहने को तैयार हूँ। अबे यार गाइस यार ये क्या कर रहा है, ये स्टन बजा रहा है यार, और ये कह रहा है कि अब अगर तू ना गया ना मेरे को तेरे को बेहोश करके लेके जाना पड़ेगा, सीधा सीधा फैमिली को मिलवा। भाई मैं फैमिली के साथ नहीं मिलवा सकता यार इस बंदे को यार। गाइस ये बोल रहा है अभी मुझे फोर्सफुली तुझे उठाना पड़ेगा, भाई बंदे ने मुझे अपने कंधे पे उठा लिया, और ये बंदा बोल रहा है अब ना मैं तुझे लेके जाने वाला हूँ, ऐसे तो तू जाने नहीं वाला। गाइस ये बोल रहा है अब ना तुझे फोर्सफुली मैं अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाने वाला हूँ, अगर तू ना बोला तेरे इतने बजाऊंगा ना मुक्के तू याद रखेगा। और गाइस ये बंदा बोल रहा है ना अब मैं तुझे उठा के तेरी फैमिली के पास लेके जाने वाला हूँ। भाई गाइस यार मेरी फैमिली के साथ ना मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है, अगर ये मुझे अपनी फैमिली के साथ लेके गया ना भाई बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, अब तो जाना ही पड़ेगा भाई, इतना फोर्सफुली लेके जा रहा तो ना गाइज अब तो जाना ही पड़ेगा। और गाइज बंदा मुझे अपनी एक प्राइवेट पुलिस की कार में लेके जा रहा है यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी यार फैमिली को मिलके। चलो यार गाइज अब तो अगर मुझे इसने बंदे ने मुझे लिटरली पीछे बांध के बिठा दिया यार, मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पे मेरे हाथ ही बांध दिए इसने। गाइज यार मेरी फैमिली को मिलना पड़ेगा यार अब तो, मॉम डैड को मिलना पड़ेगा यार अब तो। चलो यार गाइज अभी निकलते हैं माइकल के विलेज की तरफ। ऑल राइट गाइज यार हम ना भाई गांव की तरफ पहुंच चुके हैं, मतलब मेरे मॉम डैड के पास, मेरे मम्मी पापा के पास पहुंचने वाले हैं। और गाइज मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहां से भाई मुझे यहां से भगना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे मॉम डैड ना अभी इसी जगह से सिर्फ 3 किलोमीटर ज्यादा दूर है, और जिस स्पीड से ये बंदा भगा रहा है ना अपनी गाड़ी, यहां से मेरे मॉम डैड का घर 3 किलोमीटर दूर है, और मुझे अपने मम्मी पापा से अभी मिलना नहीं है क्योंकि भाई बहुत बड़ी कहानी है और मैं अपने मॉम डैड को बुलाता भी नहीं हूं। कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी भाई, 3-2-1 चल भाई 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 निकल। ओ भाई बच गया गाइस,
ज्यादा चोट नहीं लगी। और गाइस वो पुलिस वाला ना कुछ ज्यादा ही आगे जा चुका है और उसको ना भाई अभी तक पता ही नहीं चला कि हमने उसके साथ ऐसा तगड़ा सीन कर दिया। मतलब उसको पता ही नहीं चला भाई मैं पीछे डोर ओपन करके बाहर भी निकल गया और वो भाई आराम से निकल भी गया। चलो ठीक है अभी अपन गाइस बिल्कुल सही सेफ है। चलो गाइस यार अभी हम बिल्कुल सही है बट यहाँ से अपन अभी घर पे जाएंगे तो जाएंगे कैसे, बहुत दूर आ चुका हूँ अपने घर से। और भाई वेट, ये तो फिर पुलिस वाला। ओ भाई 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 रुको रुको रुको, ये तो भाई पुलिस वाला आ गया दोबारा से, पहुंच गया। वेट, ये क्या हुआ, एक सेकंड, अबे ओ ध्यान से चला ले गाइस, इसकी गाड़ी के अंदर बॉम्ब था या फिर क्या, कितना तगड़ा स्टंट हुआ और इसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई और ये पुलिस वाला मर गया, भैंस की टांग, ये पुलिस वाला तो मर गया यार गाइस। वेट यार मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा यार, यार अभी जस्ट जेल से बाहर आया हूँ और पुलिस वाला मेरे सामने मर गया और लोगों को ये लगेगा कि मैंने किसी पुलिस वाले का मर्डर करा है, तो मुझे ना गाइस इससे पहले थोड़ा सा दूर भगना पड़ेगा। और मुझे अभी गाइस गाड़ी वाड़ी चलानी आती नहीं है, मेरे पास लाइसेंस वगैरह नहीं है, तो बाइक वगैरह मैं चला सकता हूँ, बाइक वगैरह कोई मिल जाए ना अपन को तो मस्त रहेगा यार। ऑलराइट गाइस मैं ना भाई भगता भगता ना कुछ ज्यादा थक चुका हूँ, मतलब भाई मैं बहुत भगता भगता बहुत ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ, पूरा थक चुका है यार अपना माइकल बेचारे से चला तक नहीं जा रहा। और गाइस मुझे कोई इंतजाम, मेरा साइकिल भी खराब हो चुका है और पुलिस वाले को भी पता था कि उसने अपना साइकिल कहाँ पे रखा है और वो बेचारा मर गया है गाइस। अब भाई किस भाई सारी यहाँ पे गाड़ियाँ और ट्रक वगैरह ही आ रहे हैं तो भाई मैं किसको रोकूं यार, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, कोई तो ऐसा बाइक वाइक वाला बंदा या फिर स्कूटरी वाला बंदा मिल जाए ना जिसको अपन रोक सके। वेट गाइस ये एक स्कूटरी आ रही है, मोटे तेरी ऐस की तैसी, मोटे निकल उतर, मोटे तेरी पैस की निकल। ओ भाई कैसे उछला मोटा। और गाइस ये तो क्या ही भाग रही है गाइस यार, ये सुपर कार के बराबर भाग रही है ये बाइक। वेट देख रहे हो गाइस हमने एक सुपर कार को एक स्कूटरी से पीछे कर दिया, क्या ही भाग रही है यार। वेट ये अभी सुपर कार वाला ना और भी तेज भगा रहा है। ओ वेट भाई मैं कहां से रेस कर लूंगा बेटा तेरे से, तू भाई तू खुद तो देखना तेरी गाड़ी का उतने में टायर आ जाएगा जितने की ये एक्टिवा है, भाई तू मेरे से रेस क्यों कर रहा है। चलो ठीक है बाकी हाँ यार अभी ना धीरे धीरे गाइस ना मैं एक काम और करने वाला हूँ, एक ना अपने लिए लाइसेंस बनवाएंगे उसके बाद अपने भाई, क्योंकि देखो जो मैं खुद पे घर पे गाड़ी बनाऊंगा ना उसको तो मैं चला सकता हूँ बट जो कमर्शियल व्हीकल्स होंगे ना उनको अपन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि विदाउट लाइसेंस अगर हम उसको यूज करेंगे ना तो भाई पुलिस अपन को पकड़ के अंदर कर सकती है या फिर बहुत मोटा चालान काट सकती है। बहुत टाइम बात कर ली, अभी फटाफट से इस एक्टिवा को लेके सीधा निकलता हूँ मैं अपने घर की तरफ। ऑल राइट गाइज मैं अपनी स्कूटी को लेके भाई साहब आ चुका हूँ, अब से ये स्कूटी अपनी हो चुकी है, मतलब जो अपना साइकिल था ना वो पुलिस वाले ने पता नहीं भाई कहाँ ही फेंक दिया, बट गाइज अपन को अभी फ्री में एक स्कूटी मिल चुकी है। वेट अपना पड़ोसी आज भाई बाहर क्यों नहीं खड़ा फ्लेक्स करने के लिए, नहीं तो भाई गन वन लेके ना इधर तो शूट करते रहते हैं ये, फ्लेक्स करते रहते हैं, आज इनकी सिर्फ गाड़ियां ही हैं और खुद भाई है ही नहीं यहाँ पे। चलो ठीक है अपन को भाई आज का दिन थोड़ा सा अच्छा गया अपना, अपने को फ्री में एक स्कूटी मिल गई। हाँ वो भाई बकवास से साइकिल से अभी थोड़ा छुटकारा मिला हमको। बाकी गाइज मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो अपना काफी टाइम पुराना एक सपना है ना खुद की कार बनाने का, वो कल अपना सपना सच होने वाला है, मतलब आज है सैटरडे और संडे कल हम जाने वाले हैं जंक यार्ड में, मेरे पास कुछ $400-500 है तो जंक यार्ड से कुछ देखेंगे अपने लिए, कुछ कार्स वगैरह के पार्ट्स लेके आएंगे और घर में ही भाई उसको कार बनाएंगे, मतलब माइकल की फर्स्ट कार वो आएगी ठीक है। और मुझे अभी गाइज को ज्यादा ही टाइम हो चुका है, मतलब रात ज्यादा होने वाली है, तो एक काम करते हैं अभी कपड़े वगैरह उतारते हैं थोड़ी देर में फिर सोने के लिए चलते हैं। ऑल राइट गाइस सुबह हो चुकी है और सुबह के ना भाई 8 बज चुके हैं। गाइस अपना आज का दिन ना बहुत ज्यादा मस्त जाने वाला है, बस इसीलिए क्योंकि गाइस आज हम अपनी लाइफ की पहली कार के पार्ट्स लेने जा रहे हैं जो कि मैं अपने घर पे भाई कार बनाऊंगा ठीक है। भाई आज तो खाने वाने खाने की भी भाई कोई इच्छा नहीं है, बाकी ठीक है भाई मैं रात को यही कपड़े पहन के सो गया था और यही कपड़ों में चलेंगे, आज नहाने का भी मन नहीं है, सिर्फ एक अपने हाथ की गाड़ी लेने का, अपने हाथ से गाड़ी बनाने का मन है। तो ये रहे अपने कुछ गाड़ी के पार्ट्स, टायर वगैरह यहाँ पे है सब कुछ ठीक है। चलो ये सब कुछ अभी बहुत पहले भी मैंने आपको दिखाया था, तो चलो अभी ना गाइस मुझे चाहिए एक हेल्प किसी की ठीक है, और मैं चल के तो जा नहीं सकता और अपनी ये स्कूटी जो हमको कल फ्री में मिली है वो भी लेके नहीं जा सकता वहाँ पे, क्योंकि जंक यार्ड में गाइस बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, और गाइस हमको ना एक ट्रक चाहिए होगा यार, बड़ा सा कोई ट्रक चाहिए होगा जिसपे अपन बैठ के जा सकते हैं। गाइस यार मैंने आज तक अपने पड़ोसी से ना वो जो है ना दोनों उनसे मैंने कभी आज तक हेल्प नहीं मांगी, क्या मैं आज उससे हेल्प मांग के देखूं क्या वो मेरी हेल्प करेगा। बाकी ये बड़े भाई गंदे तो है भाई ये लोग,
बाकी पर देखते हैं अगर इनमें से अपनी कोई हेल्प ही कर दे। अगर इनके साथ जाएंगे ना भाई ये दिलवा देंगे, बट यार मेरे पे हंसेंगे भी, बोलेंगे कि भाई इधर देख हमारे पास कितनी तगड़ी तगड़ी कार है और तू भाई क्या हमें हमसे काम करवा रहा है। चलो ठीक है, हाँ तो चुका हूँ मैं घर के अंदर। और हेलो हेलो भैया घर पे हो आप? एक तो यार मैंने गाइज इनसे डरते मारे ना आज तक इनका नाम भी नहीं पूछा। हेलो भैया घर पे हो आप? हेलो भैया घर पे हो? अबे यार कहाँ यार ये भाई, मुझे लग रहा है ना ऐसी घर भर खुला छोड़ के चले जाते हैं क्या ये? घर पे तो होगा कोई। ओके ओके ओके, अबे होगा, सॉरी 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 भाई मार रहे। अबे यार इसको लगा कि मेरे घर पे कौन घुसा आया। अबे अबे मैं हूँ तुम्हारा पड़ोसी पड़ोसी तुम्हारा पड़ोसी, प्लीज प्लीज मारो मत। यार भैया देखो मेरे को ना तो आपकी हेल्प चाहिए, मैं जिंदगी की अपनी पहली कार लेने जा रहा हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे भैया? मैं भाई बंदा सुबह सुबह उठते ही दारू पीने लग गया। भैया प्लीज़ यार आप मेरी हेल्प कर दो, मैं आपके पास मैं मानता हूँ बहुत सारी कार्स है बट मैं अपनी ज़िंदगी की पहली कार लेने जा रहा हूँ। और ये बंदा बोल रहा है गाइस क्या हेल्प चाहिए, मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई भैया बस आप मेरे साथ चल जाओ और भाई एक ट्रक का इंतज़ाम कर लो। और गाइस ये बोल रहा है ट्रक का इंतज़ाम, बस इतनी छोटी बात, अभी तेरे सामने करके दिखाता हूँ। चलो देखते हैं भाई ये कौन सी कार में हमको लेके जाएगा, कौन सी कार में भैया जाएंगे हम? गाइस ये बोल रहा है इनमें से कोई कार नहीं जाएगी, अभी एक मिनट के अंदर अंदर कार का इंतजाम करके दिखाता हूँ। वेट, गन निकाल लिया इसने तो। अबे वेट, अबे यार इसने तो बंदे को ही खत्म कर दिया और ये कह रहा है ये ले हो गया गाड़ी का इंतजाम। यार इधर मैं देख लो गाइस क्या कर रहा हूँ, मतलब भाई ईमानदारी का तो कोई फायदा ही नहीं है यार, ऐसे गुंडे वुंडे बन के रहो ना भाई। कोई ना यार अपना भी टाइम आएगा, बट अभी ना गाइस हम वैसे भी फाइनेंशियल बहुत ज्यादा लो है ना, तो ऐसे टाइप के काम करने के लिए भी भाई पैसा होना चाहिए। चलो ठीक है, बाकी यार ये बंदा मेरा साथ तो दे रहा है ये, इसने बाकी मैंने मन में यही सोचा था कि ये सोचेगा कि भाई मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी सुपर कार है और तेरे को मैं कबाड़ से कोई गाड़ी लेके दे रहा हूँ, मतलब कबाड़ से गाड़ी के पार्ट्स ला के दे रहा हूँ, बट बंदे ने ऐसा बोला नहीं है, ये भी समझता होगा यार। चलो ठीक है गाइस, अभी ये मेरे को लेके तो जा रहा है, फटाफट से निकलते हैं भाई जंक यार्ड के लिए। ओके गाइस हम जो है ना भाई दोनों पहुंच चुके हैं यहाँ पे जंक यार्ड में। अबे भैया मुझे ये तो बताओ गाड़ी लेके कैसे जाएंगे हम, एक गाड़ी में से गाड़ी के पार्ट्स कैसे लेके जाएंगे? ओके तो गाइस भैया बोल रहे हैं कि पहले हमको एक ट्रक का इंतजाम करना पड़ेगा और ट्रक वाले को मार के ट्रक का इंतजाम करना पड़ेगा, इसने ऐसा कुछ बोला है। भाई यार मारना जरूरी है यार, उससे वैसे ही छीन लो यार। चलो देखते हैं भाई क्या करते हैं भैया, बाकी ठीक है भाई। यहाँ पे गाइस काफी बड़ा था यार जंक यार, बहुत बड़ा था यार वो। ऑल राइट गाइस हमने काफी देर से ट्रक को ढूंढ रहे, वेट वेट वेट, एक ये सामने ट्रक जा रहा है और ये भाई भैया बोल रहे हैं कि इसको ही तो इसको ही छीनना पड़ेगा, इसी ट्रक को छीनते हैं। ओके तो सामने हम ट्रक के आ चुके हैं, बट ये बंदा रुकने को मुझे लग रहा है तैयार ही नहीं है। अबे क्या करना है भाई, बंदा रुका ही नहीं यार, ये तो गलती बेइज्जती हो गई हमारी। चलो चलो भैया, भाई ये बंदा खुद ही जा रहा है, मैं एक मिनट साइड ही खड़ा हो जाता हूँ भाई। और ट्रक ना कुछ ज्यादा ही दूर चला गया। और भैया आप जाओ, आप जाके आप जाके आप जाके। और गाइस ये बंदा देख रहे हो कैसे गया ट्रक को लूटने के लिए, भाई कितनी स्पीड में गया। मुझे लग रहा है ना गाइस जैसे ये मेरी हेल्प कर रहा है ना, मुझे लग रहा है ना इसको भी अपना पुराना दिन, अपने गरीब वाले दिन ना याद आ गए होंगे, इसीलिए अपनी हेल्प कर रहा है। नहीं तो भाई जिस हिसाब से इसके पास इतनी सारी कार्स वगैरह है ना, क्यों ही बंदा हेल्प करेगा, बोलेगा पैंस की टंग इतनी सुपर कार से मेरे पास और तू क्या कबाड़ी वाली कबाड़ से कार लेके आ रहा है, मतलब समझता है यार बंदा गाइस। ओके 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 ट्रक आ चुका है वापस, भाई मुझे लग रहा है वो लेके आ गया ट्रक, हाँ अबे ट्रक वापस लेके आ गया। चलो ठीक है गाइस अभी चलते हैं भाई सीधा उसी जंक यार्ड में जाके ना भाई अपने लिए गाड़ी के पार्ट्स लेते हैं, फिर घर पे जाके भाई अपनी एक कार बनाएंगे। फिर चलो यार गाइस निकलते हैं फिर जंक यार्ड के लिए। ऑल राइट गाइस हम जो है ना भाई अपने ट्रक को लेके पहुंच चुके हैं सबसे बड़े जंक यार्ड पे, और भाई पीछे इसने पूरा ट्रंक ही ओपन कर दिया कि हमको यहाँ पे गाड़ी अपनी अंदर घुसेड़नी है। ठीक है हम आ चुके हैं भाई जंक यार्ड पे, बाकी ना गाइस अपन बात कर लेते हैं भाई इस ओनर से इसके जंक यार्ड के। और यहाँ पे गाइस देख रहे हो भाई बंदा लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे गाड़ियां वाड़ियां सेल करने में, और भाई ये मुझे लग रहा है ना बहुत बड़े शोरूम का मालिक लग रहा है या फिर गैरेज का मालिक लग रहा है, जैसे इसने कपड़े भी जिस हिसाब से पहन रखे हैं और इसका इतना बड़ा ट्रेलर जिसमें ये गाड़ियां लोड करवा रहा है अपनी, देख रहे हो भाई पता नहीं यार इसका नाम क्या है, बंदा बहुत ही बड़ा गैरेज का ओनर लग रहा है। चलो ठीक है गाइज अभी ना एक काम करते हैं, और गाइज ये बंदा ना मुझे लग रहा है इसको जानता है यार, देख रहे हो भाई कैसे उसको हाय हेलो कर रहा है, उससे बात वगैरह कर रहा है। चलो गाइज अपन ना अंदर जाके भाई अपने लिए कोई गाड़ी पसंद करते हैं। ओके गाइज अपन अंदर देख रहे हो भाई कितने सारी गाड़ियां हैं, भाई मैं ना अपने लिए गाइज एक गाड़ी चूज करता हूँ, देखता हूँ एक मिनट मेरे लिए ये गाड़ी सबसे सही रहेगी, क्यों ना हम यही लेके चले गाइज। पूरा बना बनाया ढांचा ये, सिर्फ इसके अंदर एक तो भाई हमको सीट्स लगानी है,
एंड टायर लगाने हैं, बाकी पूरा बना बनाया यार इसको ही लेके चलते हैं। हेलो कोई है कि नहीं यहाँ पे? हेलो भाई कोई लग ही नहीं था यार यहाँ पे। और मुझे ना गाइस ये गाड़ी ना सबसे ज्यादा पसंद आई अपने लिए, और यही गाड़ी हम अपने लिए लेंगे आज तो। वेट यार कोई है ही नहीं। ओके 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 गैरेज का ओनर आ गया। सर जी मुझे ये चाहिए आपकी, ये गाड़ी चाहिए। हाँ भैया यही चाहिए, हाँ भैया यही चाहिए, प्लीज इसको निकलवा दो यार यही चाहिए। चलो ठीक है गाइस मान चुका है ये बंदा। भी थोड़ी देर में ना ये बंदा बोल रहा है कि तुम्हारे ट्रक में मैं लोड करवा देता हूँ। बाकी ना गाइस यार इनके पास बहुत कुछ है यार, मतलब ये जंक के यार्ड में ना गाइस कितना कुछ है, देख रहे हो कितना बड़ा जंक यार्ड है। और आज मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लगा भाई भीड़ क्यों नहीं है, नहीं तो पिछली बार जब हम जंक यार्ड से निकले थे तो कितनी सारी भीड़ थी, कितने लोग खड़े थे, बट आज भीड़ ही नहीं है। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई बहुत बड़ा जंक यार्ड है। ठीक है यार अभी तक तो मुझे लग रहा है इसने लोड करवा दी होगी अपनी गाड़ी, फटाफट से देख लेते हैं। चलो यार फटाफट से चलते हैं अपने ट्रक के पास। ओके गाइस मैं भगता भगता आ चुका हूँ अपने उसी ट्रक के पास। और वेट ओके गाड़ी लोड हो चुकी है और ट्रक जो है इसका ट्रंक भी बंद कर दिया हमने। चलो गाइज निकलते हैं भाई अभी इस ट्रक को लेके फटाफट से अपने घर पे। चलो यार गाइज आज ना मेरी लाइफ की पहली कार भाई मैं खुद से बनाने वाला हूँ। चलो यार गाइज अभी टाइम बहुत हो चुका है, बातें बहुत चुकी है, दोपहर हो चुकी है और कहीं ना कहीं भाई आज शाम तक मुझे अपनी कार को रेडी करना है। और कल से फिर वही पिज्जा डिलीवरी की अपनी जॉब पे जाना है। दो तीन दिन हो गए हम जॉब पे भी नहीं गए भाई, तो पैसे वैसों की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। तो गाइस $200 लगे इस कार को लेने के लिए, फटाफट से निकलते हैं भाई अपने घर की तरफ। ऑल राइट गाइस हम जो है ना भाई ट्रक को लेके पहुंच चुके हैं माइकल के घर पे। वेट भाई यहाँ से अपनी गाड़ी को ना बाहर निकालते हैं और ये आ चुके हैं हम इसके भैया के घर पे। चलो ठीक है भाई अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को ना यहाँ से बाहर निकालते हैं और सीधा लेके चलते हैं उसको उठा के मेरे घर की तरफ। गाइस हमने ना भाई ये जो गाड़ी का ढांचा है ना इसको बाहर निकाल लिया है और भैया ने अपना ट्रंक बंद कर लिया। ठीक है गाइस अभी ये जो है ना वो कह रहा है मैं बिजी, बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ठीक है भाई अपन खुद ही इसको उठा के अभी लेके चलते हैं अपने घर पे। और ये देख लो भाई क्या ही मस्त लाइफ है यार, ये वाली लाइफ होनी चाहिए। बट बंदे ने फिर भी अपनी हेल्प करी है यार, जो भी हो। चलो ठीक है भाई इसको मैं उठा के लेके चलता हूँ अपने घर के अंदर। ऑल राइट गाइज बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत के बाद ना हम ये गाड़ी के ढांचे को अंदर लेके आ चुके हैं। अभी मैं अपने घर अपने अंदर जाता हूँ, जो भी टायर वाले पड़े थे और जो भी कार की सीट पड़ी थी ना वो लेके आता हूँ और उसके बाद ना भाई अपनी घर की खुद की गाड़ी बनाने का काम जो है ना वो मैं शुरू करता हूँ। ये रहे टायर्स और ये रही गाड़ी की सीट्स। चलो यार लेते हैं अभी यहाँ से। ऑल राइट गाइज अपनी जो है ना भाई गाड़ी रेडी हो चुकी है, अभी मैं उसमें फ्यूल ही डाल रहा हूँ। ओके गाइज फ्यूल वगैरह डाल के हम ये गाड़ी को हमने रेडी कर लिया है। और भाई अब ना गाइज एक मिनट यार ये मेरा टूल बॉक्स इधर ही रह गया, मैं इसको पहले उठा के डालता हूँ। और यार गाइज देख रहे हो मेरे कपड़े कितने गंदे हो चुके हैं, पूरा फेस पे वो काला काला लग चुका है भाई, जो डर्ट होता है इस गाड़ी को, मतलब गाड़ी का डर्ट होता है, पूरे कपड़े गंदे हो चुके हैं मेरे, पूरा फेस वगैरह देख लो यार। एक मिनट मैं इसको ना पहले टूल बॉक्स को अंदर रख देता हूँ। ओके गाइस टूल बॉक्स को ना पहले मैं अंदर रख के आता हूँ, क्योंकि गाइस यार ये टूल बॉक्स ना बहुत ज्यादा महंगा है, अगर ये गुम हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत पैसे जोड़ के लिया था मैंने ये टूल बॉक्स। फटाफट से ना पहले इसको अंदर रख के आते हैं भाई। ओके गाइस रख दिया टूल बॉक्स, अभी टाइम है। बाकी गाइस देख रहे हो मैंने सुबह के 11-12 बजे थे जब ये गाड़ी रेडी करनी शुरू करी थी और पूरी शाम हो चुकी है, माइकल के कपड़े पूरे गंदे हो चुके हैं और गाड़ी बन के रेडी हो चुकी है। चलो यार गाइस गाड़ी का एक राउंड तो मार के आना बनता है। चलो पहले बैठते गाड़ी के अंदर। चलो यार गाइस मैं आ चुका हूँ गाड़ी को लेके बाहर, फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट होती भी है या फिर नहीं। ओके ओके गाइस स्टार्ट हो चुकी है, पीछे से धुआं निकलना शुरू हो चुका है, वो भी बहुत ज्यादा ब्लैक। चलो यार इसकी टॉप्स, एक सेकेंड भाई गाड़ी तो सिर्फ चल ही रही है, मतलब देखते हैं भाई धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड उठ रही है। ओके 12, 13, 14 और सॉरी थोड़ा साइड कर लेते हैं भाई, इन सबको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब, हाँ, ओके अभी ना गाइस यहाँ से अपन टेस्ट करते हैं इस गाड़ी की स्पीड। ओके 24 तक ये गाड़ी जा चुकी है और ये गाड़ी ना गाइस चल तो रही है यार। मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैंने इसमें यूज़ क्या कुछ किया है। अंदर भाई कुछ भी नहीं है गाड़ी के, और इधर उधर आपको लोग को बस सिर्फ एक जंग ही दिखेगा, और मतलब जंग ही दिखेगा और कुछ नहीं है। और टायर जो मेरे पास पड़े थे वो मैंने लगा दिए और सीट मैंने लगा दी, अपने पास सिर्फ दो ही चीज़ें पड़ी थी। और गाइस माइकल की लाइफ के पहली गाड़ी तैयार हो चुकी है और इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा दौड़ती है। खुद से माइकल ने अपने हाथों से गाड़ी बनाई है भाई। चलो देखते हैं भाई ये गाड़ी की स्पीड कितनी जाती है। 42 तक जा चुकी है, मतलब गाइस टॉप स्पीड अगर मैं देखूँ ना तो 50 भाई 50 भी प्लस हो चुकी है। देखते हैं भाई इसकी
देखते हैं गाइस ये स्पीड कितनी ज्यादा दौड़ती है, मतलब 63। ओके तो 63 इसकी टॉप स्पीड है, मतलब ठीक है ना गाइस, घर पे खुद से बनाई हुई गाड़ी की स्पीड 63 है, बहुत बड़ी बात होती है यार ये भी, मतलब खुद से बनाई है यार गाड़ी, सिर्फ जंग इकट्ठा किया और उसके बाद उसको एक गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया। गाइस माइकल की खुद की अपनी एक कार बन चुकी है यार, मतलब ओ सॉरी भाई, बीच में गैंग के बंदे बैठे हैं। गाइस आप लोग ये चीज पोज करो कि माइकल जिसके पास एक सिर्फ छोटी सी जॉब है, जो सिर्फ एक पिज्जा डिलीवरी करता है, ठीक है, और वो बंदा आज चाहे कैसी भी गाड़ी, और वो बंदा आज खुद की गाड़ी का मालिक बन चुका है भाई, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ यार, अभी मुझे इस गाड़ी पे और कितने पैसे लगाने चाहिए, या फिर बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके, और मुझे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके कोई बढ़िया कार लेनी चाहिए, मतलब आप लोग बताओ यार। मुझे तो लगता है भाई मैं तो मत, अगर मुझे पूछोगे, क्योंकि गाइस देखो ये मैंने अपने हाथों से गाड़ी बनाई है, एक एक पार्ट को मैंने इकट्ठा करा है, पैसे इकट्ठे कर करके लिया है, तो मेरा मन तो यही रहेगा कि मैं इस गाड़ी को मॉडिफाई करवाऊं। बाकी आप लोग बताओ कि नई कार चलनी चाहिए या फिर इसी को मॉडिफाई करवाना चाहिए। चलो यार गाइस करते हैं इस वीडियो का एंड, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में अच्छे से कमेंट भी कर देना, वीडियो को दबा के शेयर भी कर देना, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब मिलते हैं गाइस ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Stable, oh yeah.